गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल डिस्कस टू चैप्टर 23 डेटा हैंडलिंग पार्ट टू वीडियो टाइप सेकेंड। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टाइप सेकेंड आज हम पढ़ेंगे। द पिक्टोग्राफ शो द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ सिटी फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त, स्टडी इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पिक्टोग्राफ दे रखेगा और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको इसमें बताने होंगे। यहाँ पिक्टोग्राफ में अप्रैल, मई, जून सब दिया हुआ है। ये रेनफॉल दिया हुआ है, वन रेनफॉल रिप्रेजेंट 25 mm ऑफ रेनफॉल, यानी हाउ मच रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मंथ। सो आपको मई में कितना हुआ, जुलाई में कितना हुआ, अगस्त में कितना हुआ, ये आपको बताना रहेगा आंसर। क्वेश्चन बी, विच मंथ रिकॉर्डेड द मैक्सिमम रेनफॉल, किस में बहुत ज़्यादा हुआ है, उसका आंसर आप लिखोगे। विच मंथ रिकॉर्डेड मिनिमम रेनफॉल, किस में सबसे कम हुआ है, उसका आंसर लिखोगे। ठीक है, सबसे कम अप्रैल में हुआ है, सबसे ज़्यादा जुलाई में हुआ है। हाउ मच मोर रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड इन अगस्त एंड इन जून, अगस्त और जून में कंपेयर करके आपको बताना है कितना मोर हुआ है, यानी ज़्यादा हुआ है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं देख लीजिए। पहले हम लोग जानते हैं बार ग्राफ क्या होता है। अब बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय वर्टिकल फॉर बार ऑफ इक्वल वीट्स एंड वेयरिंग हाइट विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम। The height or length of a bar indicates on a suitable scale the corresponding value of the numerical data. यानी जो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं बार ग्राफ में, न्यूमेरिकल डेटा पे और हम लोग एक बार लेंथ इंडिकेट करते हैं स्केल के हेल्प से। सो आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ है, ड्रॉइंग द बार ग्राफ ऑफ द टेबुलेटेड डेटा। एग्जाम्पल 4, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन विजिटिंग अ टॉय स्टोर ऑन द वीक डे इज गिवन, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन थ्रू अ बार ग्राफ। बार ग्राफ से आपको बताना है, डे दिया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिए हुए हैं। ठीक है, जो टॉय खरीद रहे हैं वो कितने, मंडे को कितने चिल्ड्रेन खरीद रहे हैं 10, ट्यूसडे को 14। तो अब हम कैसे ग्राफ बनाएंगे देखिए। वी विल प्लॉट द डेज ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज द वर्टिकल एक्सिस। यानी जो टॉय जो डे हैं वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे, इट मीन्स एक्स एक्सिस। ऐसे देखिए, ये हॉरिजेंटल लाइन होता है और ये वर्टिकल लाइन होता है। सो ये हॉरिजेंटल में आप डे के नेम लिखोगे और वर्टिकल में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन के नेम लिखोगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन कैसे बनाया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो दो को स्किप करके बनाया है। ठीक है, सो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं नंबर्स। अब यहाँ पे दिया है तो जैसे कि दिया था यहाँ पे मंडे को 10, तो मंडे को 10 चिल्ड्रेन थे, तो यहाँ देखो 10 पे ये इतने, 10 के आगे इतने पे स्केलिंग कर दिया है और मंडे के आगे कर दिया है। सो ये मंडे को थे, इसी तरह ट्यूसडे को 14 थे, देन 14 वाले पे किया है। वेडनेसडे को 5 थे, तो 4 के बाद 5 आता है, देन 5 के पास ये इंडिकेट किया है। इसी तरीके से आपको बार ग्राफ करके ये सेडिट कर देना है ये पार्ट। ओके, ओके, इसी तरीके से आप करिएगा और एग्जांपल भी, एक्सरसाइज भी आप करिएगा।